हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी इंजीनियरिंग क्लासेस। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम आज कॉज इफेक्ट ग्राफिंग मेथड पढ़ेंगे और आज के इस लेक्चर में जानेंगे कि क्या क्या मेन नोटेशंस होती हैं कॉज इफेक्ट ग्राफ बनाने के लिए और एक गिवन न्यूमेरिकल से आप कैसे कॉज इफेक्ट ग्राफ बना सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द बेसिक डेफिनेशन ऑफ कॉज इफेक्ट ग्राफिंग। इट इज़ बेसिकली अ टेक्निक टू सिस्टमैटिकली सेलेक्ट अ हाई यील्ड सेट ऑफ टेस्ट केसेस। अब एक बात आपको ध्यान होगी कि जब हमने बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस या इक्विवेलेंस पार्टिशनिंग पढ़ी थी तो उसमें एक डिसएडवांटेज ये थी कि वो सिंगल फॉल्ट अजम्पशन कंसिडर करता है। एक बार में कोई एक इनपुट ही इनकरेक्ट वैल्यू ले सकता है, लेकिन उस केस में हमारे पास सारे टेस्ट केसेस कवर नहीं होते। कॉम्बिनेशंस जिनमें एक से ज़्यादा इनपुट अपनी बाउंड्री वैल्यू या गलत वैल्यू अज्यूम कर रहा है, वो वाले टेस्ट केसेस भी हमें कंसिडर करने होते हैं। तो हमें एक ऐसी टेक्निक चाहिए जिसमें ज़्यादा मतलब टोटल कवरेज हो टेस्ट हमारे सिस्टम की और ज़्यादा टेस्ट केसेस हम बना पाएँ, जिस नोटेशन से हम बना पाएँ। तो कॉज इफेक्ट ग्राफिंग मेथड एक ऐसी टेक्निक है जो हमें अलाउ करती है एक हाई यील्ड सेट ऑफ टेस्ट केसेस जनरेट करने में। अब इसका बेनिफिट क्या है? इट पॉइंट्स आउट टू द इनकम्प्लीटनेस एंड एम्बिग्विटीज इन स्पेसिफिकेशन। जब आप कॉज इफेक्ट ग्राफिंग पढ़ेंगे और आप नोटेशंस को ध्यान में रखते हुए न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि कॉज इफेक्ट ग्राफ बनाने के बाद हम ये भी बता सकते हैं कि हमारी स्पेसिफिकेशन, जो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस हैं, उसमें कहाँ कहाँ एम्बिग्विटीज़ हैं और कहाँ कहाँ इनकम्प्लीटनेस है। क्योंकि कॉज इफेक्ट ग्राफ में आपको अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है ड्रॉ करने में और बहुत क्लियर स्पेसिफिकेशंस नहीं है, सो इट इज़ अ क्लियर इंडिकेशन दैट देयर इज एन इम्प्रूवमेंट दैट इज रिक्वायर्ड इन द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस, एंड एट दैट टाइम यू रियलाइज दैट समथिंग एल्स नीड्स टू बी डन अपार्ट फ्रॉम सिंपली टेस्टिंग। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं एक कॉज इफेक्ट ग्राफिंग मेथड में। सबसे पहला स्टेप होता है टू आइडेंटिफाई द कॉज एंड इफेक्ट्स फ्रॉम द स्पेसिफिकेशंस एंड असाइन यूनिक नंबर्स टू ईच ऑफ देम। अब कॉज क्या होता है, इफेक्ट क्या होता है, ये जानना इम्पॉर्टेंट है। कॉज कोई भी ऐसी इनपुट कंडीशन होती है जिसकी वजह से सिस्टम कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करता है, यानी कोई ऐसी इनपुट कंडीशन या सेट ऑफ इक्विवेलेंस क्लास कंडीशंस होती हैं कॉजेस, जिसकी वजह से कुछ इफेक्ट होता है या आउटपुट जनरेट होता है। इफेक्ट बेसिकली एक आउटपुट कंडीशन है या कोई भी ऐसा सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन जो इनपुट की वजह से हुआ हो। सो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि कॉजेज और इफेक्ट्स एक्चुअली होते क्या हैं। कॉज, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक इनपुट वेरिएबल है एक्स और एक्स की वैल्यू 1 और 10 के बीच में लाइक कर सकती है, अगर वो वैल्यूज 1 और 10 के बीच में है तो मेरा मैसेज जनरेट होता है करेक्ट इनपुट, और अगर वैल्यू 1 और 10 के बीच में नहीं है तो मैसेज जनरेट होता है इनकरेक्ट इनपुट। तो यहाँ पे कॉज क्या हो गया, द वैल्यू ऑफ एक्स, और इफेक्ट क्या हो गया, इनपुट जो हमने दिया है उसकी वजह से हमारे पास दो आउटपुट कंडीशंस जनरेट हो रही हैं, या तो मैसेज विच इज शोइंग द करेक्ट इनपुट यानी पहला मैसेज, और दूसरा इफेक्ट क्या है, इनकरेक्ट वाला मैसेज, यानी दो डिफरेंट मैसेजेस विल बी द टू इफेक्ट्स एंड द कॉज इज द इनपुट ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, सो कॉज की एक प्रॉपर डेफिनेशन हम लिखते हैं। सबसे पहले, कॉज इज एनी डिस्टिंक्ट इनपुट कंडीशन और वी कैन ऑल्सो से इट इज एन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ इनपुट कंडीशंस और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ इनपुट कंडीशंस। और इफेक्ट क्या है, इफेक्ट इज अ काइंड ऑफ आउटपुट कंडीशन और जैसे मैंने बताया अ सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन। सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हो गया कोई इनपुट देने पे कोई आउटपुट या चेंज हुआ सिस्टम में, जैसे मैसेज जनरेट होना सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा।
So this system transformation is also defined as the effect that any input has on the system, or you can also say on the state of the on the current state of the system. ठीक है, सिस्टम या सॉफ्टवेयर एक ही बात है, मतलब एक बात नहीं है, एज इन सॉफ्टवेयर इज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम, बट यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर और सिस्टम की इतनी ब्रॉड डिस्टिंक्शन नहीं देख रहे हैं. सो इनपुट जो प्रोवाइडेड है उसके बेसिस पे जो चेंज हो रहा है दैट रिजल्ट्स इन एन इफेक्ट. नाउ द फर्स्ट स्टेप वॉज टू आइडेंटिफाई द कॉज एंड इफेक्ट्स फ्रॉम द स्पेसिफिकेशन. और कॉज और इफेक्ट हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन गैदर की गई थी उसे ध्यान से पढ़ के हर लाइन को सही तरीके से इंटरप्रेट करके हम कॉज और इफेक्ट लिस्ट डाउन करते हैं और हर एक को एक यूनिक नंबर असाइन करते हैं, क्योंकि यूनिक नंबर वुड बी वेरी नेसेसरी वाइल ड्रॉइंग द कॉज इफेक्ट ग्राफ. नाउ द सेकेंड स्टेप इज टू ड्रॉ अ बूलियन ग्राफ लिंकिंग द कॉज एंड इफेक्ट. अब एक बार आपके पास कॉजेज एंड इफेक्ट्स आ गए, उसके बाद आप एक ग्राफ ड्रॉ करते हो जिसे हम कॉज इफेक्ट ग्राफ बोलते हैं. और कॉज इफेक्ट ग्राफ हमें बताता है कि कौन से कॉजेस की वजह से कौन से इफेक्ट्स होंगे या कौन से आउटपुट्स जनरेट होंगे सिस्टम में. ठीक है, कॉज इफेक्ट ग्राफ जनरेट करने के बाद हम कंस्ट्रेंट स्पेसिफाई करते हैं इसी ग्राफ में, जो हमें ये स्पेसिफाई करता है कॉज इफेक्ट ग्राफ के थ्रू कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं, इनपुट कंडीशंस जो कभी पॉसिबल नहीं होंगी. दैट मीन्स वी स्पेसिफाई द कंस्ट्रेंट्स ऑन द ग्राफ डिस्क्राइबिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ केसेस, सॉरी द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉजेस एंड इफेक्ट्स दैट आर इम्पॉसिबल. कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं कई बार सिस्टम में या क्वेश्चन जो आपको गिवन है उसमें, कि आपको क्लियरली स्पेसिफाई किया गया होता है कि इस कॉज के कॉम्बिनेशन, इस कॉज और इफेक्ट के कॉम्बिनेशन पे आप एक कंस्ट्रेंट है, ऐसी कंडीशन कभी अकर होगी ही नहीं. जैसे लास्ट क्लास में आपने देखा होगा जब हमने डिसीजन टेबल पढ़ी थी, कि अगर एक्स इज इक्वल टू वाई और एक्स इज इक्वल टू जेड ये दोनों कंडीशन होल्ड करती हैं, तो वाई इज नॉट इक्वल टू जेड वाली कंडीशन कभी होल्ड नहीं करेगी. ठीक है, तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ आता है कि कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं, कंस्ट्रेंट्स हैं जो कि कॉजेज और इफेक्ट्स पे इम्प्लाइड हैं और कौन सी कंडीशन कभी अकर होंगी ही नहीं. तो ये वाला पॉइंट आपको नेक्स्ट लेक्चर में और क्लियर होगा. अभी आते हैं स्टेप फोर पे. स्टेप फोर बेसिकली आपको ये बताता है कि कॉज इफेक्ट ग्राफ बनाने के बाद आपको अपने उस ग्राफ को एक डिसीजन टेबल में कन्वर्ट करना है, विच इज़ अ लिमिटेड एंट्री डिसीजन टेबल. लिमिटेड एंट्री डिसीजन टेबल वो होती थी जिसमें दो ही वैल्यूज पॉसिबल होती थी कंडीशंस के लिए, कंडीशन एंट्रीज के लिए. हर कंडीशन के कॉरस्पॉन्डिंग बूलियन वैल्यू इज पॉसिबल. और जब आपको टेस्ट केसेस डिराइव करने हैं तो इस डिसीजन टेबल को यूज करना है अपने टेस्ट केसेस को डिराइव करने के लिए. तो ये हो गया हमारे चार मेजर स्टेप्स जो रिक्वायर्ड होते हैं कॉज इफेक्ट ग्राफ टेक्निक को यूज करते हुए डिसीजन टेबल के थ्रू टेस्ट केसेस डिराइव करने के लिए. अब आपको ये पता होना चाहिए डिसीजन टेबल में हर कॉलम एक टेस्ट केस बन जाता है जब आप टेस्ट केसेस लिखते हैं. ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है. ये मैंने आपको डिसीजन टेबल के लेक्चर में भी बताया था, ईच कॉलम इन द डिसीजन टेबल इज converted or it forms a test case. क्योंकि हर कॉम्बिनेशन के लिए हम एक टेस्ट केस लिखते हैं. अब आते हैं कॉज इफेक्ट ग्राफ की मेजर नोटेशंस पे, क्या क्या ऐसी कंडीशंस होती हैं और कैसे हम कॉज इफेक्ट ग्राफ बनाते हैं, इनकी नोटेशंस पता होना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है. तो स्टार्ट करते हैं आइडेंटिटी फंक्शन. अगर एक तो आपको ध्यान रखना है कि ये नोटेशन जो अब मैं बताने जा रही हूँ, चार या पांच नोटेशंस, वो हमेशा कॉज और इफेक्ट के बीच में होल्ड करेंगी. आगे हम देखेंगे कि कुछ ऐसी कंडीशन या कुछ ऐसी नोटेशंस होती हैं जो दो डिफरेंट कॉजेज के बीच में ही होल्ड करती हैं या दो डिफरेंट इफेक्ट्स के बीच में ही होल्ड करती हैं. अभी के लिए सिर्फ कॉज एंड इफेक्ट के बीच में जो नोटेशंस और कंडीशंस होल्ड कर सकती हैं
नोटेशंस हम करने जा रहे हैं। तो पहली है कंडीशन आइडेंटिटी फंक्शन। अगर C1 एंड E1, यहाँ पे C रिप्रेजेंट्स एन इफेक्ट, अ कॉज, एंड E1 रिप्रेजेंट्स एन इफेक्ट। इफ C1 एंड E1 आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय एन आइडेंटिटी फंक्शन, देन व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट इफ C1 इज वन, मतलब C1 एग्जिस्ट और C1 होल्ड्स ट्रू, देन E1 इज ऑल्सो वन। ठीक है, एल्स E1 इज जीरो। सो एल यू कैन ऑल्सो राइट दिस इम्प्लाइज, अगर C1 होल्ड करता है, यानी C1 की वैल्यू है 1, तो E1 की भी वही वैल्यू होगी, आइडेंटिकल वैल्यू होगी। सो इफ C1 इज ट्रू, E1 इज ट्रू। अगर C1 ट्रू नहीं है तो E1 भी ट्रू नहीं होगा, E1 विल बी फॉल्स। ठीक है, E1 कंडीशन, डोंट, इट इज नॉट EVEN, इट इज फर्स्ट इफेक्ट। ओके, नाउ द सेकेंड फंक्शन दैट कम्स इज नॉट फंक्शन। नॉट फंक्शन सिंपली स्टेट्स दैट इफ द वैल्यू ऑफ अ कंडीशन इज 1, देन द वैल्यू ऑफ द इफेक्ट टू विच इट इज लिंक्ड इज 0, एल्स द इफेक्ट इज 1। मतलब बेसिकली नॉर्मल नॉट ऑपरेटर जो होता है, अगर C1 एग्जिस्ट करता है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा, और अगर C एग्जिस्ट नहीं करता तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्ट एग्जिस्ट करेगा। 1 और 0 का यही मतलब होता है, 1 मतलब कंडीशन एग्जिस्ट करती है और या इफेक्ट एग्जिस्ट करता है, लेकिन 0 का मतलब इट डज नॉट एग्जिस्ट। नाउ द नेक्स्ट कम्स इज द और फंक्शन। जैसे नॉर्मल और की तरह, अगर यहाँ पे मैंने और को 3 कंडीशंस को यूज करते हुए रिलेट करा है एक इफेक्ट से, तो एंड में और में आपके कितने भी इनपुट्स हो सकते हैं, यानी कितनी भी नंबर ऑफ कंडीशंस को आप लिंक कर सकते हैं टू एन इफेक्ट। लेकिन आपको आइडेंटिटी में एक सिंगल इफेक्ट और को एक सिंगल कॉज के साथ लिंक करना है। ठीक है, एंड और में आप कितने भी कर सकते हैं, नॉट में एक सिंगल कॉज एक सिंगल इफेक्ट, और आइडेंटिटी में भी एक सिंगल कॉज एक सिंगल इफेक्ट को लिंक करना है। अब और में हम नॉर्मल और की तरह ही ये कंडीशन स्टेट करते हैं, अगर C1 या C2 या C3 में से कोई भी 1 है, तभी उनका कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्ट जिससे वो लिंक्ड है वो 1 होगा, एल्स वो इफेक्ट 0 होगा। ऑल राइट, एंड भी नॉर्मल एंड है कि अगर दोनों, यहाँ पे मैंने दो कंडीशंस लिखी हैं, दोनों सी कॉजेज, या कंडीशन व्हेन आई से दीज आई एम रेफरिंग टू द कॉजेज, अगर दोनों C1 और C2 ट्रू हैं, एग्जिस्ट करते हैं, तब ही उनका कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्ट भी एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज, sorry this is not or this is and, else even is zero। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी कंडीशंस हैं। नॉट में आपको ऑपोजिट करना है, अगर कंडीशन होल्ड करती है तो इफेक्ट नहीं होल्ड करेगा, आइडेंटिटी में सेम रहेगी वैल्यू दोनों की, और में जो भी कॉजेस को आपने और करा है, चाहे कितने भी नंबर ऑफ कॉजेस हैं, उनमें से अगर किसी एक की वैल्यू होल्ड करती है तो कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्ट होल्ड करेगा, यानी वो एग्जिस्ट करेगा, और अगर एंड कंडीशन आपकी होल्ड कर रही है यहाँ पे, तो जितने भी कॉजेस को आपने लिंक करा है उन सबको होल्ड करना पड़ेगा, यानी उन सबको एग्जिस्ट करना होता है अगर आपको कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्ट की वैल्यू ट्रू चाहिए तो। ठीक है, अब इसमें इसके इन सब के कॉरस्पॉन्डिंग एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, तो इस क्वेश्चन को जल्दी से देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है और इसका कॉज इफेक्ट ग्राफ कैसे बनेगा। सो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन का बेसिक लेआउट बना लिया है कॉज इफेक्ट ग्राफ का। पहले समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन में आपको ये गिवन है कि आपके पास दो कॉलम्स है, कॉलम 1 और कॉलम 2। कॉलम 1 की परमिसिबल वैल्यूज हैं या तो कैरेक्टर ए या कैरेक्टर बी, और कॉलम 2 में सिर्फ डिजिट्स आ सकती हैं। तो
अगर कॉलम वन की दोनों वैल्यूज ठीक है, मतलब सॉरी कॉलम वन की वैल्यू इन दोनों में से कोई एक है और कॉलम टू में कोई डिजिट है, तो हमारे पास फाइल अपडेट हो जाएगी, ठीक है, ये एक इफेक्ट होगा। लेकिन अगर कॉलम वन की वैल्यू सही नहीं है तो एक पर्टिकुलर मैसेज विच इज मैसेज एक्स वुड बी डिस्प्लेड, अदरवाइज इफ कॉलम टू हैज इनकरेक्ट वैल्यू मैसेज वाई वुड बी डिस्प्लेड। तो इसके कॉजेज और इफेक्ट जैसे मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इनपुट कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं। इनपुट में आपको कॉलम वन की वैल्यू डालनी है और कॉलम टू की वैल्यू डालनी है, और कॉलम वन की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, या तो वो ए है या फिर वो बी है या फिर वो इनकरेक्ट है, ठीक है। तो अगर सी वन में लिखती हूँ कि कैरेक्टर इन कॉलम वन इज ए, और सी टू यानी सेकेंड कॉज में लिखती हूँ कैरेक्टर इन कॉलम वन इज बी, ये मेरी दो इनपुट कंडीशन हो गई। अगर मैं इन कंडीशंस को ही नॉट कर दूंगी तो मेरा थर्ड पॉसिबल केस भी आ जाएगा कि वैल्यू इन कॉलम वन इज नाइदर ए नॉर बी, तो उसे मैंने अलग से कॉज नहीं लिखा है, ठीक है। ऐसे ही कॉलम टू के लिए मैंने लिखा है कैरेक्टर इन कॉलम टू इज अ डिजिट विच इज अगेन अ परमिसेबल वैल्यू, और इसको नॉट करने पे मेरे पास वो कंडीशन भी आ जाएगी जब मैंने कॉलम टू में वैलिड वैल्यू डिजिट नहीं एंटर करी। अब ये थे मेरे कॉजेस। इफेक्ट्स क्या क्या हैं? फाइल अपडेट होना इज वन इफेक्ट, सेकेंड इफेक्ट इज मैसेज एक्स दैट इज बींग डिस्प्लेड, एंड थर्ड इफेक्ट इज मैसेज वाई दैट इज बींग डिस्प्लेड। तो इफेक्ट वन कब होगा? इफेक्ट वन उस केस में होगा जब या तो कॉलम वन की वैल्यू कैपिटल ए है या कैपिटल बी है। सो सी वन एग्जिस्ट और सी टू एग्जिस्ट, इन दोनों में से अगर कोई भी एग्जिस्ट करेगा तो हमारा काम चल जाएगा, और साथ साथ सी थ्री शुड एग्जिस्ट। तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग ये कंडीशन आएगी, सी वन और सी टू एंड सी थ्री, या तो सी वन और सी टू में से कोई एक एटलीस्ट होल्ड करे, और उसके साथ साथ सी थ्री को तो होल्ड करना ही है। तो इफेक्ट वन के लिए यहाँ पे तीन कॉजेज हैं, तीन इफेक्ट्स के लिए अलग अलग नोट्स बनाना है सबसे पहले आपको। उसके बाद इफेक्ट वन कब होगा, इफेक्ट वन के लिए कॉजेज की क्या कंडीशन होल्ड करेगी, सी वन और सी टू। सी वन और सी टू को शो करने के लिए मैंने एक इंटरमीडिएट नोट बनाई है, और फिर उस इंटरमीडिएट नोट को सी थ्री के साथ एंड करा है, ठीक है। इस इंटरमीडिएट नोड को आप कोई नाम नहीं देंगे, सिर्फ कॉजेज और इफेक्ट्स को आप नेम करते हैं। अब सेकंड इफेक्ट है हमारा मैसेज एक्स इज इशूड। इफेक्ट इस इफेक्ट के होने के लिए कौन से कॉजेज का क्या कॉम्बिनेशन हमें बनाना चाहिए? तो एक्स मैसेज कब इशू होगा? जब कॉलम वन में ना ही ए एंटर किया गया ना ही बी एंटर किया गया। सो बेसिकली सी वन भी नहीं एग्जिस्ट कर रहा एंड सी टू भी नहीं एग्जिस्ट कर रहा, नॉट ऑफ सी वन एंड नॉट ऑफ सी टू। तो ये नॉट ऑफ सी वन एंड नॉट ऑफ सी टू को लिखने का एक दूसरा तरीका है, विच इज इक्वल टू सी वन और सी टू का एंटायर नॉट, यानी डी मॉर्गन लॉ से हमें पता चल जाएगा कि हमें ये सेम कंडीशन मिल जाएगी अगर हम सी वन और सी टू को नॉट कर दे। और सी वन और सी टू ये रिप्रेजेंट कर ही रही है नोट, इस नोड को अगर मैं E2 के साथ लिंक करूं और नॉट साइन बना दूं, तो इसका मतलब हो गया E2 विल बी कॉज्ड व्हेन C1 और C2 विल बी निगेटेड, यानी C1 नॉट ऑफ C1 एंड नॉट ऑफ C2 विल एग्जिस्ट, ठीक है। अब लास्ट केस पे आते हैं, E3। E3 कब एग्जिस्ट करेगा? जब मैसेज वाई इशू होगा, मतलब E3 इज जब मैसेज वाई बीइंग इशूड, और मैसेज वाई कब इशू होगा? जब कॉलम टू में डिजिट नहीं होगी। तो दिस वुड बी द केस व्हेन द कॉज C3 इज निगेटेड, कैरेक्टर इन कॉलम टू इज नॉट अ डिजिट। तो ये हम सिंपली ऐसे बना सकते हैं, C3 और E3 को लिंक करके नॉट बना दिया। तो ये आपका एक कॉज इफेक्ट ग्राफ बन गया इस कंडीशन इस क्वेश्चन के लिए। बहुत ही सिंपल है, कॉजेज और इफेक्ट्स आपको समझने हैं। कॉजेज आप समझिए कि इनपुट कंडीशंस क्या होल्ड कर रही हैं, और इफेक्ट्स की क्या आउटपुट आ रहा है डिफरेंट केसेस में डिपेंडिंग ऑन द इनपुट कंडीशंस दैट आर बीइंग हेल्ड, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप कॉज और इफेक्ट की नोट बनाइए और लिंक कीजिए कि हर इफेक्ट कब अकर होगा, कौन से कॉम्बिनेशन ऑफ कॉजेस पे अकर होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे ट्यून टू आवर चैनल। गुड लक।